अब आज के बाद कोई गाड़ी श्रीपाल में भी ओवरलोडिंग चलेगी तो तुम सस्पेंड, या तुमको मैं सस्पेंड करता हूँ, तुमको सस्पेंड करता हूँ। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अपने एक्शन वाले अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। कभी वो औचक निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो कभी डग्गेमार बसों की चेकिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन दिनों वो अपने ऑन द स्पॉट सुनाए गए फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो टावा के सैफई स्थित फूड प्लाजा पर रुके और जब कुछ देर के बाद बाहर आए तो उन्हें वहां मोरंग लदे हुए ओवरलोडेड ट्रक खड़े हुए दिखे। ये देखकर वो भड़क गए। क्या है मोरंग ने बता दिया उसने खुद। मोरंग है सर, ले लो। आरटीओ कौन है भाई? चलान करो सभी गाड़ियों को, अरे तुमको निलंबित करेंगे। तुम लोग का देखते हुए सब चीजें क्या हो रही है। अब आज के बाद कोई गाड़ी श्रीपाल में भी ओवरलोडिंग चलेगी तो तुम सस्पेंड, या तुमको मैं सस्पेंड करता हूँ, तुमको सस्पेंड करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजेश सिंह। सस्पेंड तुम इन्वेस्टमेंट करते हो ना? नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ठीक है, चलो तुमको नहीं। इन्वेस्टमेंट कौन है? इन्वेस्टमेंट मोहम्मद कयूम है। मोहम्मद कयूम को सस्पेंड, ठीक है। और सब इसको। इसके बाद दयाशंकर सिंह ने मौके पर मौजूद एआरटीओ प्रशासन ब्रजेश यादव को फटकार लगा दी। फिर एआरटीओ प्रवर्तन मोहम्मद कयूम के बारे में पूछा और मौके पर उन्हें पाकर निलंबित करने का मौखिक आदेश भी दे दिया। इन्वेस्टमेंट कौन है? इन्वेस्टमेंट मोहम्मद कयूम है। मोहम्मद कयूम को सस्पेंड, ठीक है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के इस फैसले के बाद उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इसी तरह की कार्रवाई सभी विभाग के मंत्री करते रहे तो बेखौफ घूम रहे ऐसे आरोपी गलत काम नहीं कर पाएंगे। अब आज के बाद कोई गाड़ी श्रीपाल में भी ओवरलोडिंग चलेगी तो तुम सस्पेंड, या तुमको मैं सस्पेंड करता हूँ, तुमको सस्पेंड करता हूँ। इन्वेस्टमेंट कौन है? इन्वेस्टमेंट मोहम्मद कयूम है। मोहम्मद कयूम को सस्पेंड, ठीक है।